सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भिन्न के भाग और गुणा। जैसे कोई भिन्न दे दे कि भिन्न का मतलब होता है अंश और हर में लिखना। किसमें? अंश और हर में लिखना। कोई भी संख्या है अंश और हर में लिखना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? भिन्न कहते हैं, ठीक है। और भिन्नों का गुणा और भाग करना, हम लोग भिन्नों का आपस में गुणा और भाग कैसे करते हैं, कौन सी ट्रिक है, क्या कैसे लगाएंगे, इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देंगे। तो मेरा पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोग समझ पाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो इसी तरह की ट्रिक लेने के लिए, रीजनिंग की ट्रिक लेने के लिए, मैथ की ट्रिक लेने के लिए, हिंदी की ट्रिक, हिस्ट्री की ट्रिक, हर एक ट्रिक और लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले ली गई भिन्न के रूप में, 1/2 भाग का चिन्ह लगाया मैंने, भाग का चिन्ह लगा के बाद मैंने लिख दिया 2/4, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा, ठीक है, भिन्न हुआ। क्या हुआ? ये हो गया हमारा भिन्न। इसके बाद इसको क्या करेंगे कि जैसे 1/2 और 2/4 लिखा, तो इसको हम लोग कैसे परिवर्तित करेंगे, भिन्न को, भिन्न का भाग और गुणा कैसे करेंगे, आंसर क्या निकल के आएगा, तो चलिए बताते हैं। देखिए थोड़ा ऊपर लिख सकते हैं, 1/2 भागे 2/4 पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए बेसिकली यही होता है कि अगर भाग का चिन्ह लगा तो इसको हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो इसमें हल कैसे करेंगे, 1/2 जो आगे वाला है इसको सिंपली लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। भाग परिवर्तित हो जाएगा किसमें, गुणे में परिवर्तित हो जाएगा। और गुणे में परिवर्तित होते ही इसके बाद की जो भिन्न होगी वो संख्या पलट जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4/2। आप अगर यहाँ पर कटने वाली संख्या तो आपस में काट लेते हैं, अगर नहीं कटने वाली संख्या, ऊपर की संख्या को ऊपर का गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे का गुणा कर देते हैं। देखिए काटने वाली संख्या है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऊपर कितना बचा, 2 × 1 = 2, और नीचे बचा 2, कितना आ गया, 2/2 कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं। जैसे हमने संख्या ली, अब थोड़ा सा टफ संख्या लेते हैं, थोड़ी सी और बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा कि जैसे हमने लिया 5/4, 5/4 लिया, भाग का चिन्ह लगाया और 6/8 ले लिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली काम वही करेंगे भिन्नों का गुणा और भाग करने के लिए। तो 5/4 पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और संख्या पलट देंगे, कितना हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई संख्या काटने वाली है तो उसको काट लेते हैं। तो देखिए काटने वाली संख्या यहाँ पर है 4 × 4, 4 × 2 = 8, यहाँ पर 1 और 6 बचा, यहाँ पर हो गया 5 × 2 = 10 और 6 × 6, यहाँ पर अब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर देखिए 10/6 हो गया, ठीक है, 10/6 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 से कट भी संख्या कटती है, कट भी सकती है संख्या। देखिए कैसे 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 हो गया हमारा 5/3 आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं हम और बड़ी संख्या लेके देखते हैं, बड़ी संख्या कैसे लेते हैं। जैसे हमने लिया 8/12 / 3/4 × 7/3, ठीक, ऐसी संख्या ले ली हमने कि एक हमारा यहाँ पर गुणा भी आ गया और एक भाग भी आ गया। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे हल करेंगे, इसको बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 8/12 लिखा तो हमने सिंपली इसको लिख लिया 8/12, भाग के स्थान पर, अभी मैंने ऊपर बताया भाग के स्थान पर क्या लगा देंगे, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर 3/4 है तो 3/4 संख्या, जैसे ही गुणा का चिन्ह लगाएंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, तुरंत संख्या पलट जाएगी, तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और ये तो सिंपली गुणे के चिन्ह में है ही, तो इसको सिंपली 7/3 लिख देते हैं। अब आगे स्टेप क्या होगा, आगे स्टेप हमारा होगा, देखिए 8/12 हो गया, कितना, 12 हो गया। और यहाँ पर अगर कोई संख्या काटने वाली होती तो सिंपली इसको काट लेते हैं, अगर नहीं काटने वाली है तो नहीं काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर संख्या देखिए काटने वाली लगभग है नहीं कोई, यहाँ पर एक चीज़ काट देते, 4 × 4 = 4, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 4, यहाँ पर ये संख्या काट दी। अब देखिए 3 का आपस में नीचे गुणा करा, 3 × 3 = 9 और 9 × 27, 3 × 9 = 27 हो गया, नीचे हमने लिख लिया 27, ऊपर कितना हो गया, 7 × 8 = 56 × 56, ठीक है। तो बेसिकली आंसर हमारा क्या आ गया, निकल के 56 आंसर आ गया। तो इस यही होता है भाग, भिन्नों के भाग और गुणा, भिन्नों के बेसिकली भाग और गुणा यही होता है। तो ये आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, भाग और भिन्नों के भाग और गुणा आपस में समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो समझ अच्छा लगा है, या फिर वीडियो अगर आपको समझ में आया है, या फिर ये ट्रिक भिन्न और भाग और गुणा की जो है ट्रिक आप लोगों को समझ में आएगी, तो एक वीडियो को लाइक जरूर दे दें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक लाइक आप का, एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपका एक लाइक मेरा बहुत ही मनोबल बढ़ाता है और मनोबल तेज करता है। तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।